हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। फिर से एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। जो इंसान को हम जिसे इंसान बोलते हैं वो फिर से दरिंदा बन चुका है। एक 19 वर्षीय लड़की जो कि दलित लड़की थी, उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। मर्डर नहीं बल्कि उसे हत्या की कोशिश की गई थी और आज वो हम सबके बीच में नहीं रही है। ये घटना 14 सितंबर की, जब उसका जो गैंग रेप था वो किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारा इंसिडेंट। तो देखिए, एक लड़की थी जो अपने उनका जो गांव था वो वहाँ पे घास काट रही थी। तो घास काटने के साथ उसके जो माता थे और भाई थे वो भी साथ में ही थे, बट वो कुछ दूरी में थे। इसके बाद क्या होता है कि चार लोग उनके पीछे से आते हैं उस लड़की के और उसको दुपट्टे से बांध के उसे खेत में खींच के लेके चले जाते हैं। इसके बाद वो बारी बारी उसका गैंगरेप करते हैं, चारों बारी बारी गैंगरेप करते हैं। अब ये चारों लोग कौन थे? ये चारों लोग गांव के ही थे और अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। अब ये भी कई केस में सामने आ रहा है कि शायद ये दलित का केस है, इसीलिए जो पुलिस है इसमें काफ़ी जो रिस्पॉन्स है इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स रहा है पुलिस का। तो जो चारों लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं और जो इसके बाद गैंग रेप करने के बाद भी वो लोग इस लड़की को फिजिकली टॉर्चर करते हैं, उसे ब्रूचली टॉर्चर करते हैं और साथ में जो उसकी स्पाइनल कोर्ड थी, जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, वो भी उसकी तोड़ दी जाती है और जो उसकी जीभ थी वो भी काटने की कोशिश की गई ताकि वो बाद में जो बयान है उनके खिलाफ वो ना दे सके। और इसके बाद भी लोग नहीं माने और उसके हत्या करने की भी कोशिश की गई, उसके दुपट्टे से उसे गला घोंट के उसकी कोशिश की गई। जब इसके माता और जो भाई थे उन्हें पता चला कि उनकी जो बहन है वो मिसिंग है, तो वो ढूंढते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढने के बाद उन्हें वो खेत में पड़ी मिलती है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में उन्हें मिलती है, बिना कपड़ों के। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद किसी सांप ने काटा है, पर जब ध्यान से पता लगता है कि नहीं, ये तो एक रेप का केस है। फिर इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। अब देखिए, ये केस हुआ था 14 सितंबर को और ये केस 14 सितंबर के बाद 9 दिन बाद इस लड़की को होश आता है। आप समझ सकते हैं ना, 9 दिन बाद इस लड़की को होश आता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर के दिन ये लड़की जो चारों लोग थे इनके खिलाफ अपना बयान देती है और बयान भी बहुत बुरी तरीके से देती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो जीभ थी वो भी काट दी जाती है ताकि ये लड़की बयान ना दे सके। जो चारों लड़के थे उनके नाम थे, देखिए उनके नाम थे, एक तो संदीप, एक उनका अंकल था रवि और उनके दो फ्रेंड्स थे लवकुश। इन चारों के जो फिर पुलिस ने क्या करती है, इन चारों को अरेस्ट करती है। अब यहाँ पे जो पुलिस का रोल है वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों पे कि पुलिस ने बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स दिखाया है। जो चारों लड़के थे इनके गिरफ्तारी में भी बहुत प्रॉब्लम सामने आई है। इन चारों लड़कों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि पहले सबसे पहले जो संदीप था उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बात और बता दूँ कि जो 4 अपर कास्ट से जिन्होंने ये काम किया है उन्हें चार्ज किया गया गैंग रेप के साथ और अटैम्प्ट टू मर्डर के साथ। अपार्ट फ्रॉम चार्जेस अंडर द SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हैव बीन अरेस्टेड। उन चारों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दूँ, उन्हें 23 सितंबर को जब उन्हें होश आया था, ब्रीफली कॉन्शियसनेस उन्हें आई थी, तब उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था इन चारों के खिलाफ प्रोवाइड किया था और इन्हीं स्टेटमेंट के हिसाब से उन चारों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको दोनों साइड्स बता देती हूँ। पुलिस वालों का तक कहना है कि परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स दिखाया है, बट इसके उल्ट पुलिस का कहना है कि नहीं, हमने कोई स्लो रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है, हम पूरी जांच कर रहे हैं, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, हम पूरी जांच कर रहे हैं। वहाँ का जो SHO है उसे भी अब सस्पेंड कर दिया गया इस आरोप में कि उन्होंने स्लो रिस्पॉन्स दिखाया है। और पुलिस वालों जो फैमिली विक्टिम की उन्हें कंपनसेशन भी दिया गया है 4 लाख रुपये का, और बाकी की जो कंपनसेशन है अगर वो चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो कंपनसेशन उन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये जो घटना है ये है यूपी के हाथरस की। अब आपको पता होगा यूपी में जो क्राइम रेट है वुमेन्स के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है। जो यूपी की पुलिस है वो भी जो क्राइम्स हैं वुमेन के प्रति वो उसे रोकने में हमेशा से ही नाकाम जाप रही है। और एक हमारी इंसानियत है जो हमेशा से शर्मसार हो जाती है, समझ में नहीं आता लोगों के पास इतनी दरिंदगी आखिरकार आती कहाँ से है। एक लड़की का इस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, उसे गैंगरेप किया जाता है, कहाँ तक ये हमारी इंसानियत है? और इन लोगों को क्या इंसान कहलाने का हक भी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी हक नहीं है। और शायद कभी कभी ये बात सही लगती है कि जो इन जे रेपिस होते हैं
इन्हें हैंग करना ही एकमात्र सलूशन अभी लग रहा है कि इन्हें हैंग कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो इन लोग हैं इन पे जो डर क्यों नहीं हमारे कानून का, हमारा कानून क्या कर रहा है? अगर कानून का लोगों में डर हो तो ये रेप केसेस होंगे ही नहीं और जो हमारी लड़की हैं वो इस तरीके से शहीद नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।